हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसे सच को सामने लाती है जो कि होते हुए भी किसी को नजर नहीं आया। ये एक ऐसी कंटीजियस बीमारी है कि आपको करोड़ों की भीड़ में भी अकेला करने में सिर्फ कुछ ही सेकंड लगाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने में टाइम नहीं लगता। इसी बीमारी का नाम है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन बहुत ही बुरी तरीके से नेगेटिविटी को स्प्रेड करता है। ये COVID-19 से भी खतरनाक एंड मोर कंटीजियस है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर रह के भी फैलता है। अगर कोई भी किसी रीजन से इस बीमारी के चपेट में आ जाए तो भले बुरे सोचने की ताकत खो देती है। हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो इसी थॉट के ऊपर बनाई गई है। तो शुरू करने से पहले, हाय, दिस इज पायल एंड वेलकम टू माय चैनल द बॉन्ग डिकोडर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। कहानी के शुरू में हम देख पाते हैं लॉरा हॉल को। लॉरा अपने हस्बैंड रिचर्ड से सेपरेट होके दो बच्चों के साथ अलग रहती थी। लॉरा को यकीन था कि उसके साथ रिचर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड फिर से पूरे परिवार एक साथ रहेंगे। लेकिन जिस दिन लॉरा को पता चला रिचर्ड दूसरी शादी करने वाला है किसी ग्रेस मार्शल के साथ, उसी दिन लॉरा टूट जाती है एंड सुसाइड कर लेती है। अब यकीन नहीं करोगे, इस सीन का सडन इफेक्ट इतनी डरावनी थी कि देखने के टाइम मेरी दिल की धड़कनें मानो कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी। एनीवेज, लॉरा की मौत के बाद रिचर्ड अपने दो बच्चों एडन एंड मिया को लेके अपने घर चले आते हैं, यानी एक साथ रहना शुरू करते हैं। नेचुरली बच्चों को अपने पापा का दूसरा शादी करना एकदम पसंद नहीं था। ग्रेस, जो कि बचपन में एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन कल्ट की हिस्सा थी। कल्ट एक ग्रुप या छोटी सी सोसाइटी होती है जो कोई पर्टिकुलर रिचुअल को या अनडिफाइंड फिगर को मानते हैं या पूछते हैं टू मेक देयर लाइफ बेटर। उसी कल्ट को लेके एक बुक के रिसर्च के टाइम रिचर्ड और ग्रेस की मुलाकात हुई थी। ये कल्ट एक अजीब और क्रीपी रिचुअल करते थे जिसका वीडियो फुटेज दोनों बच्चों को मिलता है। ये वीडियो देखने के बाद बच्चे और भी ज्यादा नापसंद करने लगते हैं ग्रेस को। ग्रेस के साथ बच्चों की नजदीकियां बढ़ाने के लिए रिचर्ड क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान बनाते हैं अपने दूसरे घर लॉज में, जो कि बहुत ही रिमोट एरिया में थी। क्रिसमस हॉलीडे के दौरान लॉज में आते ही बच्चों को पता चल जाता है कि ग्रेस एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट है। उसे रात में अपने मरे हुए पिता की कल्ट वाले क्रीपी रिचुअल करते हुए सपने आते थे, इसीलिए ग्रेस एंटी डिप्रेशन के पिल्स भी लेती थी। अपने कुछ जरूरी काम से रिचर्ड कुछ दिन के लिए बच्चों एंड ग्रेस को अकेले रख के शहर लौट जाते हैं। उसके जाने के बाद लॉज में कुछ अजीब किस्म की इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि पूरे घर में लाइट चले जाना, ग्रेस को रात में कुछ अजीब से आवाजें सुनाई देना, सुबह को सारे बिलोंगिंग्स का गायब हो जाना, खाने का सामान गायब हो जाना, इवन ग्रेस का पेट और उसके डिप्रेशन की दवाई भी गायब हो जाती है, जो कि उसके एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को बहुत ही बड़ा देती है। इसके चलते ग्रेस को तरह तरह के विजन भी आते हैं। लास्ट में वो बच्चों को मारने भी जाती है एंड कहानी में एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट आता है जो आपको हैरान करके रख देगी। एक्चुअल में ये सब इंसिडेंट उन दोनों बच्चों ने प्लान किया था अपने पापा से ग्रेस को दूर करने के लिए, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इससे ग्रेस इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो रिचर्ड को भी मार देती है एंड बच्चों को उसी कल के रिचुअल से सुसाइड करने में भी मजबूर कर देती है। अब आते हैं थ्योरीज में। मूवी में दो फीमेल कैरेक्टर हैं जिनके अंदर सिमिलरिटी है, जो कि है डिप्रेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लॉरा डिप्रेस थी अपने रिलेशन को लेकर। वो चाहती थी रिचर्ड उनको फिर से अपना लेगी, जो कि एक्चुअल में जब नहीं होता है और उसे पता चलता है ग्रेस के बारे में, वो डिप्रेस हो जाती है एंड सुसाइड कर लेती है। ग्रेस डिप्रेस थी अपने कल्ट के एक साइको टाइप रिचुअल को लेकर, जहाँ पे लोग सुसाइड करते थे एज एक्सपिएशन ऑफ देयर सिंस एंड इसी रिचुअल को करते हुए भी उसके पापा का डेथ भी हुआ था, जिसका ग्रेस आई विटनेस भी थी, इसीलिए उसकी नाइटमेयर आती थी रिलेटेड टू दिस रिचुअल। और ये डिप्रेशन इतनी हावी हो जाती है ग्रेस के ऊपर कि वो आंखों के सामने हो रहा झूठ को भी सच मान लेती है एंड बच्चों ने उसे यकीन भी करा देते हैं कि वो सब ऑलरेडी मर चुके थे,
दोनों ही अपने इश्यूज को छुपाने की कोशिश करती है। अपने एंजाइटी और दर्द को छुपाने के लिए लॉरा मेकअप करके रिचर्ड के सामने आती थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बच्चों को ग्रेस पसंद नहीं था और रिचर्ड ज्यादा केयरिंग भी नहीं थे। ये पता होने के बावजूद ग्रेस खुद को हैप्पी प्रिटेंड करती थी, जो अपने फीलिंग्स को भी हाइड करना एक्चुअली डिप्रेशन को बढ़ाती है, घटाती नहीं। ये मैसेज मूवी के थ्रू दिखाया गया है। मूवी में हम लोग ये भी देख पाते हैं कि रिचर्ड एक्चुअल में केयरलेस टाइप का एक पर्सन है। खुद ही प्लान किया आउटिंग का और खुद ही हॉलीडे के टाइम ग्रेस को और बच्चों को छोड़ के अपने घर चले आते हैं। हालांकि उसे ये पता था कि तीनों में ज्यादा जमती नहीं, और शायद इसी केयरलेस एटीट्यूड के कारण ही लॉरा पहले से ही डिप्रेस थी। ये स्लो पर हॉरर मूवी है। किसी किसी जगह पे स्लोनेस के कारण आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन क्लाइमैक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे समझने के लिए पूरा मूवी आपको देखना पड़ेगा। इतना सीरियस इशू को लेके एक हॉरर थ्रिलर के रूप में दिखाना काबिले तारीफ है। रटन टोमेटोस में ये है 74% फ्रेश एंड इसका IMDb रेटिंग है 6/10। ये मूवी आपको प्राइम वीडियोस में मिल जाएगी। एंड लास्ट में एक बात बताती हूँ एक सजेशन के तौर पे, अगर आप किसी चीज को लेके डिप्रेस हो तो प्लीज शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। शायद वो लोग इसका सॉल्यूशन ना भी निकाल पाए, बट बोलने से आपको हल्का लगेगा। फिर खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।